हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द फिज फ्रेम आज हम क्लास इलेवेंथ चैप्टर काइनामेटिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आईआईटी आई जे के क्वेश्चन आए हैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू बी रूट एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सेक्स कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज इक्वल टू टॉ अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ऑरिजन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सो इनिशियली पार्टिकल ऑरिजन पर है इसको ओ नाम दे देते हैं यहाँ पर एक्स वन ज़ीरो एंड टाइम टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो से वी वन दिस इज ऑल्सो जीरो और फिर यहाँ से जो पार्टिकल है स्टार्ट करता है अलॉन्ग एक्सेक्सेज मूव करना जिसकी स्पीड जो है वो है v इज इक्वल टू बी रूट एक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है सो हमें किसी भी टाइम t इज इक्वल टू टो पर हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी विलॉसिटी जो है वो क्या होगी देखिए यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें तो सपोज़ कीजिए कि डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है सपोज कीजिए एक्स टू डिस्टेंस ट्रैवल किया ठीक है सो अगर इसने एक्स टू डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो यहाँ इस पॉइंट पर जो विलॉसिटी आएगी सी इट इज वी टू दिस इज इक्वल टू बी रूट एक्स टू ये हो जाएगी यहाँ से अब मेन हमारा फोकस रहेगा कि x2 की क्या वैल्यू होगी ठीक है इन टर्म्स ऑफ टाइम क्योंकि टो हमें निकालना था इन टर्म्स ऑफ टाइम t इज इक्वल टू टो इसकी टर्म में इस जो x2 की वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है ये यह हमें यहां से देखना है देखिए वी इज इक्वल टू बी रूट एक्स है दैट मीनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी रूट एक्स अगर आप यहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट करें एक्स वाली टर्म्स एक तरफ और टाइम की एक तरफ देन आई एम गेटिंग डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी एंड देन आई इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड ठीक है देखिए एक्स का जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट है ऑरिजिन से लेकर के एक्स टू यानी कि किसी पोजिशन एक्स टू तक दैट मीन जीरो से लेकर के एक्स टू तक सो so, जीरो से लेकर के एक्स टू तक जो है इसका इंटीग्रेशन होगा वहीं टाइम का इंटीग्रेशन देखें तो देखिए इनिशियली जीरो एंड फाइनली टाइम कितना है टो तो है सो so, जीरो से लेकर के टो तो तक यहां तक जाएगा ठीक है लिमिट अगर यहाँ पर हम वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन देखें तो देखिए इसका मतलब हो गया एक्स की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन देखना है तो हम प्लस वन इसके अंदर एक जोड़ देंगे टर्म और नीचे हो जाएगा माइनस वन प्लस वन सो इट इज़ एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ दैट मींस टू रूट एक्स ये आ जाएगा ठीक है सो टू रूट एक्स आ जाएगा एंड द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू एक्स टू जीरो से लेकर के एक्स टू तक एंड दिस इज इक्वल टू बी टी एंड द लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू टॉप नाउ दिस कम्स आउट टू वी टू रूट एक्स टू एंड दिस इज इक्वल टू बी एंड टॉ ठीक है ऐसा जाएगा रूट एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास बी टोर डिवाइडेड बाई टू और हमें रूट एक्स टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ टॉप तो हमने फाइंड आउट कर लिया तो टाइम टी इज इक्वल टू टॉप आपके पास में इस पार्टिकल की क्या स्पीड होगी ये आपने फाइंड आउट कर ली है तो स्पीड जो है आ जाएगी आपके पास में बी और रूट एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी बी टॉ डिवाइडेड बाई टू दैट मीन्स आंसर इज बी स्क्वायर टॉर डिवाइडेड बाई टू ठीक है ये आंसर आ जाएगा आपके पास ये आई आई टी जे टू थाउजेंड नाइन में ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर्स द साउंड ऑफ ए जेट एरोप्लेन कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ सिक्स डिग्री विद द ग्राउंड लेवल बट ही फाइंड्स द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबाउट हिज पोजिशन इफ़ वी इज द स्पीड ऑफ द साउंड द स्पीड ऑफ प्लेन इज सो देखिए सिचुएशन कुछ इस टाइप से है दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड दिस इज साउथ सो यहाँ पर कोई पर्सन है जो खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई प्लेन है या जेट है और इसकी साउंड जो है इसको यहाँ से सुनाई देती है से इसकी स्पीड जो है आपको गिवन है v ठीक है और ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल ठीक है ये ग्राउंड लेवल है इसके साथ ही एंगल बना रहा है सिक्सटी डिग्री और जितनी देर में जितने टाइम में ये साउंड इसके पास पहुंचती है इतनी ही देर में ये जो जेट है वो यहां से यहां जाता है ठीक है से दिस पोजिशन इज ए दिस पोजिशन बी तो जितनी टाइम में ए से लेकर के इस पोजिशन तक से दिस पोजिशन इज सी ठीक है सी जो है पोजिशन है जहां पर ये पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है सो so ए से लेकर के सी तक पहुंचने में साउंड को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम लग रहा है इस जेट को ए से लेकर के बी तक पहुंचने में हमें यहां पर ये फाइंड आउट करना है इस जेट की स्पीड क्या है सिर्फ वी, वी जो है वी पी इस स्पीड से मान लीजिए ये आने लग रहा है ठीक है सो वी पी की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए मैं कह रहा हूं कि टाइम टेकन बाय द साउंड इन रीचिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू सी ठीक है दिस इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द जेट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सो दिस इज सेम सो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने ए सी डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है ए सी वेलोसिटी से ठीक है एंड दिस डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द जेट इज वी बी अब ए सी और ए बी में क्या रिलेशन होगा ये आप इस ट्रेंगल से देख सकते हैं क्योंकि डिग्री गिवन है आपको ये नाइनटी डिग्री है सो इन ट्रेंगल ए बी सी इन ट्रेंगल ए बी सी आप देख सकते हैं यहां पर ए बी डिवाइडेड बाई ए सी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी दैट मीन्स बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस बन जाएगा को सिक्सटी डिग्री को सिक्सटी डिग्री दैट मीन्स वी है हाफ सो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू या यू से दैट टू ए बी इज इक्वल टू ए सी ठीक है ये आ जाएगा सो so, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ देन आई एम गेटिंग टू ए बी ए सी की वैल्यू है टू ए बी यहाँ पर पुट करें देन डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई वी पी सो ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग वी पी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टू दैट मीन्स साउंड की जो स्पीड होगी उससे हाफ जो है इतनी स्पीड से जो है ये जेट जो है ए से लेकर के बी तक पहुंचेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ थर्ड क्वेश्चन है एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कॉन्स्टेंट विलॉसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स थर्टी डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर द स्पीड ऑफ ए इज हंड्रेड रूट थ्री मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड एन ऑब्जरवर इन ए फाइंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ फाइव हंड्रेड मीटर दिस ऑब्जरवर सी इज बी मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट विलोसिटी पर पेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए इफ एट टी इज इक्वल टू से टी नॉट ए जस्ट एस्केप्स बींग हिट बाय द बी टी नॉट इन द सेकेंड इज सो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि यह हमारे पास ग्राउंड लेवल है ग्राउंड कह सकते हैं यहाँ से दो एयरप्लेन जो हैं वो लॉन्च हुई हैं एक हुई है 60 डिग्री पर और एक हुई है 30 डिग्री पर ठीक है दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री दिस इज एयरप्लेन ए एंड दिस इज एयरप्लेन बी इसकी जो स्पीड है वो वी ए है इसकी स्पीड है वो वी बी है ठीक है तो वी ए हमें गिवन है दिस इज़ हंड्रेड रूट थ्री मीटर पर सेकेंड लेकिन वी बी हमें नहीं गिवन है तो इसलिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो अब यहां पर देखें तो देखिए एक चीज और गिवन है कि ए और बी जो है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है दैट मीनस हम कहें कि रिलेटिव डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए एंड बी दिस इज गिवन एज 500 हंड्रेड मीटर ठीक है 500 हंड्रेड मीटर गिवन है आल्सो एक चीज और गिवन है कि जो ऑब्जर्वर है जो ए के अंदर बैठा है एयरप्लेन ए के अंदर वो ये देख रहा है कि बी जो है वो कॉन्स्टेंट विलोसिटी से मूव कर रहा है पेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए ठीक है दैट मीनस यह आपके पास है वैक्टर विच इज विलॉसिटी वैक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए और यह जो है परपेंडिकुलर है दैट मीनस दिस इज नाइन्टी डिग्री सो ये अगर ये विलोसटी वैक्टर है वी ए और यह वैक्टर कौन सा है वी बी माइनस वी है जिसे हम कहते हैं रिलेटिविटी ठीक है रिलेटिव विलॉसिटी यह आप कह सकते हैं इसे विलॉसटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बिलासिटी ऑफ ए तो दिस इज रिलेटिव बिलोसिटी तो हमें जो कंडीशन गिवन है हमें कंडीशन गिवन है कि वी बी माइनस वी ए दिस इज परपेंडिकुलर टू वी दोनों वैक्टर्स हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं और दो वैक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं दैट मीन्स उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है सो वी बी माइनस वी ए डॉट प्रोडक्ट विद वी ए दिस इज इक्वल टू जीरो गिवन है सो so, इसका यूज़ क्या होगा देखिए यहाँ से आपको वी ए जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर हंड्रेड टू थ्री मीटर पर सेकेंड तो आपको वी बी जो है इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी ठीक है इस गिवन कंडीशन से आपको वी बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और आपको अगर वी बी फाइंड आउट हो गया तो यहाँ से रिलेटिव विलोसिटी या फिर वी बी माइनस वी हम कहें इसकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी तो आपने टाइम फाइंड आउट करना था ठीक है सो टाइम फाइंड आउट करना है दैट मींस रिलेटिव डिस्टेंस कितना है फाइव हंड्रेड मीटर डिवाइडेड बाई रिलेटिव विलॉसिटी कितनी है विच इज़ वी बी माइनस वी ए क्योंकि वैक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे ठीक है यहां पर सो so, ये अपने पास आंसर आएगा जस्ट मुझे से वीबी फाइंड आउट करना है एंड देन आई एम पुटिंग आउट हेयर एंड देन आई टेक इट्स मैग्नीट्यूड सो जस्ट आईव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द दी बीम हेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे वी VA ए की वैल्यू देखें यहां पर देखिए वी ए के दो कंपोनेंट्स हैं ठीक है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस अगर अलोंग एक्स एक्सिस में देखू देन आई एम गेटिंग वी ए को सिक्सटी डिग्री कोस सिक्सटी डिग्री एंड आई कैप प्लस में अगर वाई एक्सिस की तरफ देखें देटिंग वी ए साइन सिक्सटी डिग्री एंड जे कैप ठीक है अगर हम वी बी वैक्टर की तरफ देखें देखिये वी बी वैक्टर जो है यह थर्टी डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस ऑर द ग्राउंड लेवल दैट मीन्स जो एक्स कंपोनेंट होगा वो अपने पास होगा वी बी कोस थर्टी डिग्री आई कैप प्लस में वी बी साइन थर्टी डिग्री जे कैप ये वैल्यू अपने पास है आप क्या कीजिए सिंपली जो है आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए ठीक है सिंपली हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं देन आई एम गेटिंग सो फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग वी बी माइनस वी ए वैक्टर दिस इज इक्वल टू वी बी कोस थर्टी डिग्री कोस थर्टी डिग्री मीन्स रूट थ्री बाय टू आई कैप प्लस वी बी साइन थर्टी डिग्री दैट मीन्स हाफ जे कैप एंड माइनस माइनस वी ए वी एट मीन्स हैंड्रेड रूट थ्री यावन है को सिक्सटी डिग्री दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज हाफ सो हाफ हो जाएगा यहाँ पर आई कैप प्लस में हंड्रेड रूट थ्री एंड साइंस सिक्सटी डिग्री दैट मीन्स रूट थ्री बाई टू जे कैप इसको सॉल्व करते हैं देखिए आई कैप का कम्पोनेंट एक तरफ और जे कैप का एक तरफ सो आई एम गेटिंग वी बी रूट थ्री बाई टू माइनस फिफ्टी रूट थ्री ठीक है यह आ जाएगा आई कैप का कंपोनेंट एंड प्लस में वी बी बाई टू एंड प्लस दिस कम्स आउट टू बी 150 फिफ्टी जे कैप ये आ जाएगा यहाँ से और ये माइनस यहाँ से अंदर जाएगा देना ठीक है माइनस आइए ठीक है यह आ जाएगा अब हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ ठीक है वी ए के साथ में और हमने उसका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो के इक्वल पुट करना है सो देखिए आई कैप डॉट आई कैप वन होता है आई कैप डॉट जे कैप जीरो होता है सो आई कैप डॉट आई कैप देखते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप कितना जाएगा? 2, 50, आ जाएगा वी बी रूट थ्री बाई टू माइनस फिफ्टी रूट थ्री और ये आ जाएगा वी ए को सिक्सटी डिग्री तो वी ए तो हमें हंड्रेड अंडर रूट थ्री गिवन है और को सिक्स डिग्री की वैल्यू होती है हाफ ठीक है आई कैप डॉट जे कैप ये जीरो हो जाएगा जे कैप डॉट आई कैप ये भी जीरो हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप ये बचेगा सो so, प्लस में वी ए साइन सिक्सटी डिग्री दैट मीन्स वी ए कितना हंड्रेड रूट थ्री और साइन सिक्सटी डिग्री होता है अंडर रूट थ्री बाई टू और इसके साथ में मल्टीप्लाई हमें करना है वी बी बाई टू माइनस वन फिफ्टी एंड दिस इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से हमें वी बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी Uh, अगर हम इसको सॉल्व करें देन एम गेटिंग वी बी दिस कम्स आउट टू बी 300 हंड्रेड एंड मल्टीप्लाइड वन बाई फोर हो जाएगा सो दिस इज 75. माइनस में दिस कम्स आउट टू बी 50 और ये कैंसिल होगा 50 पर 50 इंटू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड को थ्री से मल्टीप्लाई करना है दैट मीन्स सेवेंटी फाइव हंड्रेड प्लस में यहाँ पर देखिए ये है हंड्रेड इंटू थ्री ठीक है सो थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर सेवेंटी फाइव वी बी एंड माइनस एंड दिस कम्स आउट टू बी हंड्रेड और ये फिफ्टी पर कैंसिल हो जाएगा फिफ्टी इंटू थ्री दैट मीनस वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी सो वन फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी हो जाता है टू ट्वेंटी फाइव डबल जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो वी बी प्लस सेवेंटी फाइव वी बी दैट मीन्स वन फिफ्टी एंड माइनस इन दोनों का आप ऐड कीजिए जीरो 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 थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से वी बी की वैल्यू आ जाएगी थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी सो अगर इसको कैंसिल करें देन आई एम गेटिंग टू हंड्रेड ठीक है सो टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड वी ए की वैल्यू आपके पास हंड्रेड रूट थ्री मीटर पर सेकेंड गिवन थी वी बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली अब जस्ट क्या करना है आपने रिलेटिव विलॉसिटी ये आपने देखनी रिलेटिव विलॉसिटी जो है वो ये है आपके पास सो so, इसमें आपने क्या करना है आपने वी बी की वैल्यू जो है हंड्रेड पुट कर देनी है सो यहाँ एक्सप्रेशन पुट करते हैं वीबी की वैल्यू टू हंड्रेड सो देखिए अगर इस में हम टू हंड्रेड पुट 200 हो जाएगा रूट थ्री आई कैप एंड प्लस में यहां पर देखिए टू हंड्रेड पुट करेंगे सो टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड और हंड्रेड माइनस वन फिफ्टी सो माइनस फिफ्टी आएगा माइनस फिफ्टी जे कैप और हमें तो क्या देखना है उसका मैग्नीट्यूड देखना है सो so, मैग्नीट्यूड अगर हम देखें वी बी माइनस वी ए इसका हमें देखना है मैग्नीट्यूड सो दिस कम्स आउटर रूट ऑफ फिफ्टी रूट थ्री इसका होल स्क्वायर प्लस में फिफ्टी इसका होल स्क्वायर सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टेन थाउजेंड आएगा ठीक है दैट इज हंड्रेड सो हंड्रेड मीटर पर सेकेंड सो यहाँ पर अगर आप हंड्रेड पुट करेंगे सो आंसर इज फाइव सेकेंड ठीक है आंसर so, कितना आ जाएगा

अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस बीटा टी स्क्वायर जे कैप अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है टेन बाई थ्री बीटा की वैल्यू है फाइव एंड एम की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन किलोग्राम और टी इज इक्वल टू वन सेकेंड पर आपने इन सबकी वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है ये क्वेश्चन जे टू थाउजेंड सिक्सटीन एडवांस में आया हुआ था सो so, यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सो विलॉस्टी so, होता है डी आर वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी सो so जस्ट आपने डिफ्रेंशिएट करना है सो so डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन आई एम गेटिंग थ्री अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस में टू बीटा टी जे कैप टी की वैल्यू वन सेकेंड पर देखनी है हमें टी इज इक्वल टू वन सेकंड पर इसकी वैल्यू देखनी है आई एम गेटिंग थ्री अल्फा आई कैप प्लस टू बीटा जे कैप अल्फा की वैल्यू टेन बाई थ्री है सो आई एम गेटिंग टेन आई कैप प्लस में बीटा की वैल्यू फाइव है सो टेन जे कैप ठीक सो नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोमेंटम सो एंगुलर मोमेंटम इज एम वी क्रॉस आर सो मास हमें गिवन है जीरो पॉइंट वन दैट मीन्स वन बाई टेन और वी क्रॉस आर के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आई कैप जे कैप के कैप वी के जो कम्पोनेंट्स आए हैं अपने पास वो आए हैं टेन आई कैप प्लस टेन जे कैप है देखिए सो टेन टेन जीरो और पॉजिशन वैक्टर के क्या हैं देखिए पोजिशन वैक्टर के कंपोनेंट्स देखने हैं सो टाइम टी इज इक्वल टू वन पर पोजिशन वैक्टर के क्या कम्पोनेंट्स होंगे एल्फा एंड वीटा सिंपली अल्फा एंड बीटा दैट मीन्स टेन बाई थ्री एंड फाइव टेन बाई थ्री एंड फाइव इज जीरो सो वन बाय टेन देखिए आई कैप के कंपोनेंट जीरो जे कैप का कंपोनेंट वो भी जीरो और के कैप का कंपोनेंट आएगा सिर्फ और के कंपोनेंट कितना होगा फिफ्टी माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री इसको सॉल्व करते हैं देन आई एम गेटिंग फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री के कैप इंटू वन बाई टेन सो आई एम गेटिंग फाइव बाई थ्री के कैप ठीक है तो एंगुलर मोमेंटम आ गया अपने पास में फाइव बाई थ्री के कैप नेक्स्ट फोर्स है फोर्स का जो फॉर्मूला है इट इज मास इन टू ठीक है ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी विलोसिटी जो होता है वो होता है डी आर बाई डी टी डी आर डी टी और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास देखिए फिर दोबारा से कर देते हैं एक बार थ्री अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस में टू बीटा t टी जे कैप ये आई थी वैल्यू इसका एक बार और टाइम के रेस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपको एक्सलेशन मिलेगा सो so, देखेंगे कितना आएगा सिक्स अल्फा टी आई कैप प्लस में टू बीटा जे कैप ये वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट हम टाइम टी इज इक्वल टू वन सेकंड पर निकाल रहे हैं सो so, टी की वैल्यू हम वन पुट करेंगे एल्फा और बीटा हमें गिवन है ये वैल्यू पुट करेंगे और मास हमें गिवन है वन बाय टेन दैट मीन जीरो पॉइंट वन किलोग्राम सो वन बाई टेन हो जाएगा यहाँ पर एंड दिस इज सिक्स इंटू टेन बाई थ्री आई कैप प्लस टू इंटू फाइव जे कैप न बाई टेन एंड दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी आई कैप प्लस टेन जे कैप सो दिस कम्स आउट टू बी टू आई कैप प्लस जे कैप ठीक है यह वैल्यू आ जाएगी सो फोर्स की जो वैल्यू आ रही है टू आई कैप प्लस जे कैब आ जाएगी नेक्स्ट देखते हैं टॉर्क सो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ आर वैक्टर देखिए टाइम टीज इक्वल टू वन यहां पर अगर पुट करें तो एल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप सो टेन बाई थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप आ जाएगा ठीक है क्रॉस में एफ फैक्टर हम निकाल चुके हैं टाइम टी इज इक्वल टू वन पर टू आई कैप प्लस जे कैप सो इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सो आई कैप जे कैप के कैप दिस इज टेन बाई थ्री फाइव ज़ीरो टू वन एंड दिस इज ज़ीरो अगेन के कैप का कंपोनेंट ही आएगा बाकी सब जीरो हो जाएंगे के कैप का कंपोनेंट क्या होगा टेन बाई थ्री माइनस टेन टेन बाई थ्री माइनस टेन दैट मीन्स माइनस ट्वेंटी बाई थ्री के कैप सो अपने तो पास आ जाएगा यानी कि टॉर्क अपने पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी so अब हमको देखना है गिवन ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट हैं। सो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। अगर हम गिवन ऑप्शंस में से चेक करें तो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में है माइनस फाइव लेकिन हमारे पास आ रहा है प्लस फाइव बाई रॉन्ग है फोर्स फैक्टर हमारे पास है टू आईके प्लस जे कैप बट गिवन है आईके प्लस टू जे कैप सो ये भी ऑप्शन करेक्ट इन करेक्ट है नेक्स्ट है टॉर्क विच इज माइनस ट्वेंटी बाई थ्री के कैप सो एक ऑप्शन करेक्ट है सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी ठीक है दीज बोथ आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर इफ इट वर लॉन्च एट एन एंगल थीटा नॉड विद स्पीड वी नॉड देन जी की वैल्यू आपने टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है और आपने थी टन और वीनोड की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है सो वाई इज इक्वल टू गिवन है टू एक्स माइनस नाइन एक्स स्क्वायर सो वट इज द इक्वेशन ऑफ प्रजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखिए पाथ क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं देखिए वैसे जनरल फॉर्मूला होता है लेकिन अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से देखिए सपोज कीजिए यहाँ से आप किसी भी पार्टिकल को यहाँ से थ्रो करते हैं आप वार्ड ठीक है विद इनिशियल विलोसटी से वी नोट और यहाँ पर एंगल अलोंग अलॉन्ग एक्सिस है वो है थीटा नोट सो देखिए अलोंग अलॉन्ग एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे इनिशियल विलोसिटी के वन इज वी नोड कोस थीटानोड एंड अनदर इज वी नोड साइन थीटानोड दो कंपोनेंट्स होंगे अब देखिए मान लीजिए पार्टिकल जो है ये यह यहाँ तक पहुँच गया पॉइंट पी तक तो पॉइंट पी तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया अलोंग एक्स एक्सिस स्मॉल एक्स और अलोंग वाई एक्सिस इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई सो यहां पर कितने टाइम में ये पार्टिकल ओरिजिन से लेकर के यहां तक जाएगा पॉइंट पी तक ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस सो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम देखें देन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखें देन एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर यू एक्स और ए एक्स यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सलरेशन अलोंग दी एक्स एक्सिस अब अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा सो so, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी बात करते हैं यू एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल जो वेलोसिटी है इनिशियल जो स्पीड है उसका क्या कंपोनेंट होगा तो वो है वी नोट कोस नोट सो वी नोट कोस थीटानोड इन टू टी सो टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक्स डिवाइडेड बाई वी नोड कोस नोट दिस इज द टाइम टेकन बाई दिस पार्टिकल इतना टाइम लगेगा पार्टिकल को पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट बी तक पहुँचने में अब बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सेज ठीक है मोशन अलॉन्ग दी वाई एक्सेस तो अलॉन्ग वाई एक्सेज अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वो हो जाएगी वाई इज इक्वल टू यूवाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यहां पर यू वाई और ए वाई इनिशियल विलोसिटी और एक्सेलरेशन है अलोंग वाई एक्सिस देखिए इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस कितना है वीनोड साइन थीटानोट टाइम के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस आपने किसी भी बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी और जी की वैल्यू आपको गिवन है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो यह आ जाएगा माइनस टेन ठीक है और देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा टी स्क्वायर आल्सो अगर आप यहाँ से देखें सो so देखिए टी की वैल्यू आप फाइंड आउट पहले ही कर चुके थे तो ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ एक्स डिवाइडेड बाय वी नोड कोस थीटा नोड और टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर देखिए इसका स्क्वायर अगर हम करें देन एम गेटिंग एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नोड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट अब इसको सोल्व कीजिए एक बार देखिए वी नोट से वी नोट कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग एक्स टेन थीटा नोड एंड माइनस ये कैंसिल हो गया फाइव पर सो फाइव एक्स स्क्वायर और वन बाय को स्क्वायर थीटा नोट दैट मीन सी कैंट स्क्वायर आ जाएगा कैंड स्क्वायर थीटा नोट तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आई है जनरल इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन और अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम यहां से थीटा नोट और वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए कंपेयर करते हैं सो इफ यू कंपेयर देन आई एम गेटिंग टेन नोट इज इक्वल टू टू एंड फाइव बाई वी नोट स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर नोट फाइव बाई वी नोट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर नोट इट्स वैल्यू इज नाइन सो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम नोट और वी नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देखिए यहाँ से अगर हम देखें टेन स्क्वायर थीटानोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर ठीक है सो हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटानोट माइनस टेन स्क्वायर थीटानोट की वैल्यू कितनी होती है वन होती है अब टेन स्क्वायर थीटानोट की वैल्यू कितनी है फोर है सो दिस वैल्यू इज फोर और ये यहाँ आ जाएगा तो अपने पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा नोट की वैल्यू फाइव और वन बाय कोस स्क्वायर थीटा नोट की वैल्यू फाइव हो गई दैट मीन्स कोस थीटा नोट की वैल्यू वन बाय रूट फाइव सो थीटा नोट की वैल्यू कोस इनवर्स वन बाय रूट फाइव ये तो वैल्यू आ गई थीटानोट की आप बात करते हैं वी नोट स्क्वायर वो यहाँ से निकलेगी वैल्यू देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा नोट की वैल्यू फाइव तो फाइव इन फाइव ट्वेंटी फाइव सो ट्वेंटी फाइव बाई वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन सो वी नोट स्क्वायर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव बाय नाइन स्क्वायर हटाओ यहाँ से तो स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड आई एम गेटिंग फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड सो ये वैल्यूज आ जाएंगे ठीक है वी नोट की ये वैल्यू और थीटा नोट की ये वैल्यू ये वैल्यूज आ जाएंगी आज हमने काइनेमेटिक्स से रिलेटेड पांच क्वेश्चन डिस्कस करे हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में काइनेमेटिक्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम देखेंगे ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू